जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवर्णी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तरस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आदिशक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवर्णी भक्तरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला जो सप्ताह है, यानी कि 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे वीडियो के अंत में एक सुंदर और सटीक से उपाय के, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को आनंददायी बना सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का प्रथम सप्ताह कैसा रहेगा। आज का जो हमारा यह कार्यक्रम होगा यह चंद्र कुंडली से, यानी कि चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है, इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों का मन अपने कामकाज या फिर कहें अपने लक्ष्य से भटक सकता है। आपका जो मन है अपने कामकाज में नहीं लगेगा, जो आपका लक्ष्य है उससे आप दूर इस सप्ताह जा सकते हैं, जिसके चलते उनके पास आया हुआ अवसर हाथ से निकल जाएगा। आपके पास कोई अवसर मिलेगा, आपको कोई मौका मिलेगा और आपके हाथ से, कर्क राशि के जातकों के हाथ से वह अवसर निकलता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह आपको जो है बेवजह की चीजों से मन भटकाने या फिर विवाद में पड़ने की बजाय जो है अपने करियर और कारोबार पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। बेवजह के कार्यों में अपने मन को नहीं भटकाना है, विवादों में आपको नहीं पड़ना है और अपने करियर और अपने कारोबार पर आपको फोकस देने की आवश्यकता होगी। अपने मन को अपने करियर और कारोबार पे आपको लगाना होगा। इस सप्ताह जो है कर्क राशि के जातकों को चीजों को कल पे टालने या फिर दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचना है। ऐसा नहीं कि कोई कार्य आप कल टाल दें या किसी दूसरे के भरोसे आप छोड़ दें, अन्यथा आपको जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को कल पे न टालें और किसी दूसरे के भरोसे आपको अपने कार्यों को नहीं छोड़ना है। सप्ताह का जो मध्य भाग होगा, अचानक से किसी पर्यटन या फिर धार्मिक स्थल के यात्रा पर जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा की का प्रोग्राम आप बना सकते हैं या किसी पिकनिक पे जाने का, पर्यटन घूमने का भी प्लान आप बना सकते हैं। तो कन्या कर्क राशि के जो जातक हैं, आपकी यह जो यात्रा होगी वह सुखद होगी और मनोरंजक साबित होते हुए दिख रही है। इस दौरान जो है कर्क राशि के जातकों को किसी प्रभावी व्यक्ति से भी मुलाकात होगी, जिसकी मदद से भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और इस सप्ताह यानी कि 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त 2023 तक जो है, इस सप्ताह घरेलू जो महिलाएं हैं, कर्क राशि की जो जातिका घरेलू महिलाएं जो हैं, उनका अधिकांश समय जो है धार्मिक गतिविधियों में बीतता हुआ दिख रहा है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, सप्ताह का उत्तरार्ध का जो समय होगा, ऐसे उस समय में व्यवसाय से जुड़े जो कर्क राशि के जातक हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको धन लाभ की प्राप्ति होते हुए दिख रही है और इस दौरान आपको जो है अपने उपक्रम में जो है बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है। इस दौरान आप जो है अपने करियर, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, कारोबार आपका आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं जो नौकरी पेशा करने वाले जातक हैं, जो नौकरी करने वाले जातक हैं कर्क राशि के जातक, तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए जितना अधिक आप श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसके कार्य की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ती जाती दिख रही है, उतनी ही बढ़ती हुई नजर आएगी। जितना आप परिश्रम करेंगे आपका कार्य भी उतना बढ़ता हुआ दिख रहा है और आपको लाभ की भी प्राप्ति होती हुए दिख रही है। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह जो है आपके अनुकूल है और लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग आपकी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें कर्क राशि के जातकों का, तो वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय की, तो उपाय क्या करें जिससे यह सप्ताह आपका आनंददायी व्यतीत हो।
तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर की आपको विधि विधान से पूजा करनी है। भगवान शंकर का आपको ध्यान पूजन विधि विधान श्रद्धा भक्ति के साथ में करना है और द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का आपको पाठ करना है। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है उसका आपको श्रद्धा भक्ति के साथ में पाठ करना है। भगवान शंकर का श्रद्धा के साथ में आपको पूजन करना है तो निश्चित ही भगवान शंकर जो है आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपके समस्त विघ्न बाधाओं का हरण करेंगे। तो यह छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है जिससे आप इस सप्ताह को आनंददायी बना सकें। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइए। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करेगा। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त, पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।